हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ होममेड बीबी क्रीम बनाना शेयर करूंगी, जो बहुत ही इजी है और ये चीज़ें आपके घर में इजीली अवेलेबल होती हैं जो इस बीबी क्रीम बनाने में यूज़ होंगी। बीबी क्रीम बनाकर आप इसको किसी भी कंटेनर या जार में स्टोर कर सकते हैं, आप इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होगी। आप इसको अपने पॉकेट में, अपने पर्स में इसको ऑल द टाइम रख सकते हैं और जब भी चाहें आप इसको इजीली यूज़ करें। बीबी क्रीम में यूज़ होने वाली इंग्रेडिएंट्स हर एक के घर में मौजूद होते हैं और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेमेडी आज मैंने जो शेयर की है, इसको आप किसी भी फंक्शन में, किसी भी पार्टी में, बाहर जाते हुए, ऑल द टाइम, कहीं पर भी जहाँ आप जाना चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई भी जो है केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, ये तमाम नेचुरल चीज़ों से बनी हुई है जो आपके किचन में, आपके घर में अवेलेबल होती हैं। तो बीबी क्रीम बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, उसमें सबसे पहले हम ले लेंगे कोई भी मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पर वो ले लूँगी और इसके बाद पाउडर ले लूँगी, और इसके बाद हमें चाहिए होगा कॉफ़ी, और कॉफ़ी के बाद हमें चाहिए होगा टर्मरिक। तो सबसे पहले हम जी एक बाउल ले लेते हैं, उसमें 1/4 पिंच हमने ले लेनी है कॉफ़ी। यहाँ पे बस कॉफ़ी बीन्स थे, उसको मैंने जो है वो मसल दिया है और ये कॉफ़ी पाउडर बन चुका है। उसके बाद मैंने 1/2 पिंच ले लेनी है टर्मरिक, और इसके बाद जो हमें चाहिए होगा वो है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। आप अपनी क्वांटिटी पे इसको अगर स्टोर करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी मॉइस्चराइज़र के, और 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी कोई भी बेबी पाउडर ले लें, या कोई भी जो आप घर में यूज़ करते पाउडर वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए 3 टेबलस्पून पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ मॉइस्चराइज़र एंड 1/4 टीस्पून और 1 पिंच ऑफ टर्मरिक एंड 1 पिंच ऑफ कॉफ़ी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने करना है मिक्स, मिक्सो मिक्स करते जाना है, और जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा तो एक स्मूथ सा पेस्ट आपके पास आ जाएगा, एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा, क्रीमी सा, जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट है, और जो आप इसको जो है वो स्टोर कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम, डे, नाइट, इवनिंग, कोई भी टाइम हो, ठीक है। इसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, आप इसको फेस पे अप्लाई करके बाहर जाएं, सनलाइट में बेशक जाएं, इसका कोई रिएक्शन नहीं है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ हुआ, ये सब के किचन में इजीली अवेलेबल होता है। तो अगर आप यहाँ पर कॉफ़ी बीन्स ले रहे हैं तो कॉफ़ी बीन्स को हाथ से ज़रा सा मसल लें, और ताकि वो पाउडर सा बन जाए, या अगर कॉफ़ी पाउडर है तो वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो इसमें यूज़ करेंगे। और बिल्कुल ज़रा सी आपने जो है वो टर्मरिक 1 पिंच आपने यूज़ करनी है, ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करनी। तो देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा सा वहाँ पर क्रीमी सा ये बीबी क्रीम आ चुकी है, क्रीमी टेक्सचर में। लेकिन इसको क्या करना है, हमने काफ़ी देर अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें जो है अच्छे से आपस में यकजा हो जाएँ। सो ऑल डन, यहाँ पर हमारे लिए जो है बीबी क्रीम रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको अपने हैंड पर आपको अप्लाई करके बताती हूँ। आपने अच्छे से इसको क्या करना है कि आपने इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में जेंटली ऐसे अप्लाई करना है। अच्छा, ये जो नॉर्मल मार्केट से मिलती है ना बीबी क्रीम, वो फेस पे जो है वो स्टिक हो जाती है, और वो वहाँ से जो है अच्छे से मिक्सअप नहीं होती। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी और आपके स्किन पर अच्छा सा जो है वो कलर देगी, जैसे बीबी क्रीम देती है, और आपके जो स्कार्स वगैरह हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन एक किस्म का बन गया है आपका, आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी पार्टी पर, किसी भी डे टाइम में, कहीं पर भी, ये आपकी जो कम्प्लेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा बेटर कर देगी। अगर आपने मेरी इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरे इंस्टाग्राम पर अगर आप अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको जो है वो इरिटेट कर रही है स्किन प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।